नमस्कार। आज इस आभासी कक्षा में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अखिलेश कुमार NIOS की इस वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चे कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे में अगर आप देखें तो एक विद्यालय जो है एक विविधतापूर्ण समूह होता है और उस विद्यालय में सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग आते हैं। उसमें से कई बच्चे ऐसे आते हैं जो हमारे संविधान द्वारा परिभाषित अल्पसंख्यक समूह माइनॉरिटी ग्रुप के बच्चे हैं। ब्रॉडली एक बड़े संदर्भ में अल्पसंख्यक बच्चों को तीन भागों में बांट सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और प्रजातीय अल्पसंख्यक। हम चर्चा करेंगे आज की इस कक्षा में कि इनकी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात इनकी शिक्षा को महत्व देने का ये है कि इनको अवसरों की समानता अगर उपलब्ध कराना है, जो कि हमारे संविधान का सबसे प्रमुख कमिटमेंट है कि सभी नागरिक को अवसरों की समानता उपलब्ध कराना, तो प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के लिए समान अवसर की आवश्यकता है। और साथ ही जो हमारा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 पास हुआ है, उसमें शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे उसकी जाति, चाहे उसका धर्म या उसकी विशेष आवश्यकता कुछ भी हो। ऐसे में बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को विद्यालय में पहुंचाने के लिए और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही ये बच्चे भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित न रहें, इसके लिए आवश्यकता है कि हम अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। दूसरा जो कारण है जिसके चलते अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा महत्वपूर्ण है, वो है विद्यालयों में भेदभाव रहित व्यवहार को बढ़ावा देना। जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में देखा होगा आपने कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चे बहुत कम संख्या में होते हैं, और ऐसे में उनकी संख्या कम होने के कारण वे अपने आप को कटाकटासा और अपनी कक्षा से अलग महसूस करते हैं, जिसके प्रमुख कारण है कि कई बार शिक्षक द्वारा वो डिस्क्रिमिनेशन के भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार होते हैं, कई बार अपने साथियों द्वारा, अपने सहपाठियों द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार होते हैं, और कई बार उनके साथ लगा हुआ उनका जो टैग है माइनॉरिटी का, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो जाति विशेष का हो, ये तीनों भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार में उत्तरदायी हैं। तो ऐसे में उनके साथ भेदभाव रहित व्यवहार हो और उनकी सहभागिता जो है कक्षा में सामान्य बच्चों के समान हो, सामान्य बच्चों के बराबर हो, सभी गतिविधियों में वो सामान्य बच्चों के साथ भाग लें या सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा जो कारण है जिसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है संयुक्त संस्कृति का सम्मान किया जाना। अपने भारत देश में अलग अलग संस्कृतियाँ विद्यमान हैं, अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग जातियाँ हैं। ऐसे में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय, साथ ही प्रत्येक बहुसंख्यक समुदाय की भी संस्कृति अलग है, उसका रहन सहन का तरीका अलग है, और हमारा संविधान जो है वह कहता है कि हर संस्कृति का हम सम्मान करें, हर धर्म का हम सम्मान करें। तो ऐसा सर्वधर्म संभाव, या कह सकते हैं कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है जिसके चलते हमें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है एक समावेशी वातावरण का निर्माण करना। जब से शिक्षा जो है अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है कि वह हर बच्चे का अधिकार है, तब से हमें समावेशी विकास और समावेशिक शैक्षिक विकास की ओर ध्यान देने लगे हैं। उस समावेशी विकास में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी आयु के, सभी रेस के, जब से हम समावेशी शिक्षा की बात करने लगे हैं, तब से हम बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को कक्षा में ले जाने पर जोर देने लगे हैं कि सभी बच्चे कक्षा में आएं, उनके जाति, रंग, उनके धर्म या उनकी शारीरिक अक्षमता, इनमें से किसी भी प्रकार, किसी भी कारण से कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार उनसे न किया जाए। तो अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम एक समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकें। जहाँ तक हमारे संविधान का सवाल है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 और 19 मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, और इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के बीच धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्मस्थान या अन्य किसी भी कारण के आधार पर भेदभाव करना निषिद्ध है। साथ ही हमारा संविधान जो है जाति, धर्म इन सब से ऊपर उठकर
उसके समस्त नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भाषा, लिपि, संस्कृति तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन के संबंध में उनके अधिकारों की रक्षा करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 350A जो है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने की बात करता है। आइए देखें कि अल्पसंख्यक समूहों की शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि हम एक वास्तविक समावेशी शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकें। सबसे पहले हम बात करें भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा के बारे में। तो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा को सरल बनाने के लिए कुछ जो कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ जो काम किए जा सकते हैं वो है, सबसे पहला भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए विद्यालय खोले जाएं। जहाँ पे भी उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पे विद्यालय खोला जाए, साथ ही आवासीय विद्यालय भी उनके लिए खोला जा सकता है जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो। दूसरी जो व्यवस्था की जा सकती है वो है पाठ्य पुस्तकें एवं पढ़ने की सामग्री। जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं उनके बच्चों की प्राथमिक आवश्यकता जो है वो उनकी भाषा में पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता या उनकी भाषा में और जो शिक्षण सामग्री हम प्रयोग करते हैं उसकी उपलब्धता है। ऐसे में हमें ये प्रयास करने होंगे कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उन्हें उनकी भाषा में लिखी हुई किताबें एवं उनकी भाषा में तैयार की गई शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता हम सुनिश्चित करें। तीसरा जो कार्य हम कर सकते हैं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए वो है उनकी शिक्षा में भाषा के शिक्षकों को शामिल करना। ऐसे शिक्षक हम सम्मिलित करें, ऐसे शिक्षक हम अपॉइंट करें जो कि उनसे उनकी घरेलू भाषा में, उनके नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकें, उनके लैंग्वेज में उनको बता सकें, उनकी भाषा में उनको पढ़ा सकें। अगर ऐसे में हमारे पास कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय के किसी शिक्षक को उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह उन बच्चों की भाषाई आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनकी आवश्यकताओं को समझ सके और उनके पठन पाठन में मददगार हो। इसके अलावा जो हम और काम कर सकते हैं भाषाई अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा के लिए वो है कि उनकी जो गतिविधियां हैं भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की, उनकी गतिविधियों को बहुभाषी गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए, बहुभाषी गतिविधियों में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए। जैसे विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या इस प्रकार के और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम बहुभाषी गतिविधियों को अगर बढ़ावा दें और अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को उनकी भाषा में उनकी संस्कृति से संबंधित प्रदर्शन का अवसर प्रदान करें तो उनकी सहभागिता शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगी। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें खास करके भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कि कई बार हम परीक्षा का जो माध्यम रखते हैं, आकलन का जो माध्यम रखते हैं वो स्टैंडर्ड मानक भाषा होती है, जैसे कई जगह हिंदी और अंग्रेजी आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अगर हम आकलन को भी उस अल्पसंख्यक वर्ग विशेष की भाषा में तैयार कर सकें, आकलन करने की व्यवस्था भी उसकी भाषा में कर सकें हम, तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा उन अल्पसंख्यक वर्ग के सभी बालकों के समावेशन का। आइए इसके बाद हम चर्चा करें कि धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो कि हमें जीरो रिजेक्शन की पॉलिसी अपनानी होगी। जीरो रिजेक्शन का मतलब है कि विद्यालय में जो भी विद्यार्थी जाता है उसको विद्यालय में पहुँच हो, उसका नामांकन विद्यालय में हो सके। तो वैसे तो हमारा संविधान जो है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर ही आधारित है और शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण नीति का समर्थन नहीं करता है। हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना होगा कि धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं वो विद्यालय तक पहुँच सके, विद्यालय में उनका नामांकन हो सके और किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण नीति के शिकार वो ना हो। साथ ही दूसरा जो है धार्मिक अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु वो है धार्मिक संस्थानों का हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए। धार्मिक समूह के बच्चों के लिए धार्मिक संस्थान में धार्मिक पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है। सामान्यतः बिना वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के ज्ञान के विद्यालयों के विद्यार्थी, उनमें जीवन के समग्र विचार की कमी रह जाती है। ऐसे में हमें जो है ये धार्मिक संस्थाएं, इनमें सिर्फ धर्म की शिक्षा की बजाय इनका आधुनिकीकरण करके इनमें वैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था पर भी जोर देना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं का सम्मान तो निश्चित रूप से हमें करना ही चाहिए ताकि विद्यालय में जो भी
अलग अलग धर्म के बच्चे हों, सब में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि ये विद्यालय उनका है, ये डेवलप हो सके। ऐसे में विभिन्न धार्मिक अवसरों पर सभी बच्चों को एक दूसरे से मिलने जुलने का, एक दूसरे को उनके धर्म को समझने का मौका दिया जाना चाहिए और ऐसे त्यौहार, ऐसे उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करके बच्चों को धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करना सिखाया जा सकता है और अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा को उन्नत बनाया जा सकता है। एक और कदम जो हम उठा सकते हैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक बच्चों के शिक्षा में उन्नति के लिए, वो है कि विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बराबर उनका भी भागीदारी सुनिश्चित करें। कई बार धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जो है बहुसंख्यक समूह से दूर दूर रहते हैं, चूँकि उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है इस वजह से, और इस कारण उनमें एकाकीपन की भावना जो है आने लगती है। ऐसे में विद्यालय को चाहिए कि विद्यालय की गतिविधियों में वो सुनिश्चित करे कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो रहा है। साथ ही ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है, तो विद्यालय को चाहिए कि अगर बच्चा किसी पिछड़े समूह से आता है तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराए। शिक्षक को यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कक्षा में जो अधिगम सामग्री वो प्रयोग कर रहा है वो भेदभावपूर्ण न हो, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता हो, उनकी भावनाओं के खिलाफ या उनकी भावनाओं के विपरीत न हो। ऐसा कोई भी मटेरियल ना यूज करें जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में दुर्भावनाएँ उत्पन्न करती हों, और न ही उनका प्रदर्शन करें। कक्षा में ऐसी कोई भी वस्तु जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों, ऐसी चीज़ों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भाषा के मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक बच्चे भी अलग भाषा समूह से आते हैं, तो ऐसे में उनकी भाषा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी भाषा का प्रतिनिधित्व भी विद्यालय में होना चाहिए। आज की कक्षा में आपने देखा कि हम कैसे विद्यालय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अल्पसंख्यक समुदाय को बड़े स्तर पर तीन भागों में बांट सकते हैं, एक वे जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, दूसरे वे जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, और तीसरे वे जो प्रजातीय अल्पसंख्यक हैं। हमने ये भी देखा आज कि इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं कि अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाए, सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार पर रोक लगाया जाए, सर्वधर्म संभाव की भावना जो है विकसित की जाए विद्यालय में, और सर्वधर्म संभाव का वातावरण भी विद्यालय में विकसित किया जाए ताकि बच्चे एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा का सम्मान कर सकें, बच्चे को उसकी मातृभाषा में पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए, और अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यदि आवश्यकता हो तो कुछ शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ शिक्षकों को उनकी भाषा विशेष में प्रशिक्षित किया जाए जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।